पति की दीर्घायु के कामना के लिए सुहागिन महिलाएं आज करवा चौथ का निर्जला व्रत रखेंगी और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का समापन करेंगी। करवा चौथ का व्रत बड़े उत्साह और आधुनिक के साथ इस दिन महिलाएं और युवतियां पूरे साजो श्रृंगार के साथ अपने सजना के लिए सजती है। करवा चौथ पर बाजारों में काफी चहल पहल है। नई नई साड़ियों के साथ लहंगा, चूड़ी, बिंदी आदि सौंदर्य की जमकर खरीदारी हुई। दूसरी ओर पूजन सामग्री के लिए करवा और धान की बाली आदि की जमकर बिक्री हुई। ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक करवा चौथ के दिन रविवार को चंद्रमा रात 8:31 के बाद नजर आएगा। ये पर्व पति की दीर्घायु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। पति के लिए लंबी उम्र के लिए रखा जाता है क्या? लेकिन महंगाई की मार को लेके ये सब चीज़ें फीकी लग रही है। आइटम भी नए नए तरह के आए हुए हैं, चन्नी से लगा कर दीपक तक सभी तरह के नए नए आइटम आए हुए हैं, लेकिन महंगाई इतनी है कि देखते ही मतलब खरीदते वक्त ही सोचना पड़ता है हर चीज़ को क्या। और तो क्या है, महिलाएं बड़े उत्साह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। पूरे दिन वो निर्जला व्रत रखती हैं, पानी वो शाम को पीती है अपने पति के हाथों द्वारा। महत्व तो क्या है, महत्व के लिए तो क्या संस्कार जो है वो चले आ रहे हैं, उसी संस्कारों को लेके चला जा रहा है। ना तो वो महंगाई को देखती है, ना अमीरी देखती, ना गरीबी देखती, लेकिन अपनी पति की लंबी उम्र के लिए वो ये व्रत रखती हैं। जैसा भी होता है उसको एडजस्टमेंट करके, चाहे वो महंगाई हो चाहे सस्ते, जैसा भी होता है वो खरीद जाता है। करवा चौथ का दिन एक अच्छा दिन है, ये सबके लिए खुशी का माहौल होता है। और करवा चौथ के दिन सभी सुहागने अच्छी तैयार होके अपने पति की लंबी उम्र के लिए तैयार होती है, उनके लिए प्रार्थना करती है। बाजार में बहुत रौनक है, सभी महिलाएं बहुत खुश है अपने पतियों की उम्र के लिए, सस्ती सवरती है, बहुत अच्छी रौनक है, बहुत सारी वेराइटी है। वैसे तो करवा चौथ का दिन है, सभी के लिए स्पेशल होता है। और दो साल से जैसे देखा जा रहा है कोविड के तहत कोई खरीदारी नहीं कर पाते घर में, सब कोविड के चलते कितों की ही डेथ हो चुकी है। ये दिन आ रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अच्छे से व्रत रखें अपने पति के लिए, अपने पति के लिए नहीं, अपने सारे परिवार के लिए लंबी आयु के लिए व्रत रखें। और यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से तैयार हो, अच्छा से सेलिब्रेट करें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सबके घर में सबका सुहाग अखंड रहे। बस 16 श्रृंगार करती है, सभी के लिए ये दिन स्पेशल होता है। सभी श्रृंगार का सामान लेती है, पूजा का सामान लेती है और ख़रीदारी में सब अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती है। कपड़े कोई नए कपड़े लेंगे वगैरह लेते हैं, करवा चौथ का सामान लेते हैं, करवा लेते हैं, पूजा का सामान लेकर बस पूजा की तैयारियाँ करते हैं। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।